लीजिए जनाब, आज हम आपको लेके एक नई वीडियो में समोसा एक्सपर्ट जो कि सुल्तानपुरी में। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। भैया, इनकी एक खासियत है कि 15 से 16 टाइप के समोसे इनके पास हमेशा मिलते हैं और डेली ये फ्रेश समोसे बनाते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से समोसे बनाते हैं। ये देखिए, पनीर समोसा है, अफ़गानी पनीर समोसा, तंदूरी पनीर समोसा, तंदूरी चाप समोसा, मैक्रोनी समोसा, आलू समोसा, पिज़्ज़ा समोसा, चाउमीन समोसा, प्याज पनीर समोसा, मलाई पनीर समोसा। अब कुछ ट्राई करते हैं, फिर आपको मिलवाता हूँ इनके ओनर से, और इनकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, इनका नंबर डालूंगा ताकि आप इजीली यहाँ पर आ सकें। देखते हैं, ये देखिए हमारे समोसे आ गए हैं। तंदूरी पनीर समोसा है, एक अफ़गानी चाप समोसा है। अब खा के आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि कैसा है। यहाँ पे कस्टमर से व्यू लेते हैं कि इनके समोसे कैसे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका भैया? आप कहाँ से आए भैया? सर, मैं सेक्टर 3 से आ रहा हूँ। ये भैया सेक्टर 3 से आए हैं। मेरे ख्याल से कि सेक्टर 3 और यहाँ के रास्ते में 10 से 20 समोसे वाले और भी हैं, बट फिर भी यहाँ पर आते समोसे खाने। तो भैया आप कब से समोसे खा रहे हैं? उनके 1 मिनट तक जा। तो आपको कैसा लगता है टेस्ट? अच्छा, आपको मिलवाते हैं। यहाँ के जो ओनर है, समोसा एक्सपर्ट के ओनर से मिलवा रहा हूँ। भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अपना नाम बताइएगा। भैया आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे समोसा एक्सपर्ट खोले? भैया 6 फरवरी को खुली थी पिछले साल लॉकडाउन से पहले। उसके बाद फिर लॉकडाउन में 21 तारीख को लॉकडाउन किया था। उसके बाद 12 से 10 जून को स्टार्ट करा था ऑल प्रिकॉशंस, बट उसके बाद फिर स्टार्ट करा धीरे धीरे क्योंकि सडन एकदम से वो टाइम पीरियड ऐसा था। बट हाँ, 1 साल हो चुका है। भैया आप कितने टाइप के समोसे बनाते हैं यहाँ पर? भैया वैरायटी तो बहुत सारी है, बट वैरायटी देखने में सीजनेबल होती है। लाइक मटर मशरूम, ठीक है, मैंगो समोसा, मालू समोसा, ये सब सीजनेबल होते हैं। मीठा समोसा जैसे फेस्टिव सीजन आता है तो बनते हैं, और भी जैसे दाल समोसा, ये सब समोसे तो बहुत सारे हैं, बट वैरायटी तभी मिल पाती है जब कुछ चीज़ें सीजन में आती हैं, तभी बन पाती हैं। अदर दैन अगर हम सीजन के जाके बनाएंगे तो ना हमारी कॉस्टिंग आएगी और कस्टमर को वो चीज़ नहीं खिला पाएंगे। ये हमारा मेन फोकस रहता है कस्टमर को अच्छी चीज़ खिलाने को। अदर देन दैट की कुछ भी जो कॉस्टिंग कम कर रहे हैं, मेरा मेन वो पानी नाम बोलना मैटर नहीं करते, मेरे लिए क्वालिटी मैटर करती है। वैसे मुझे तो सब वैरायटी फेल होती है, बट मोस्ट ऑफ द मेरे को पता है कि हाँ मलाई जो आपके बेस्ट हो। बेस्ट वो इस पर कहीं ना इसमें क्या होता है कि कई चीज़ें किसी को तीखा खाना कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा तीखा खाना पसंद होता है, किसी को मतलब कि चाउमीन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा समोसा तो आलू समोसा है, तो वो एक बाय डिफॉल्ट चॉइस है कि आलू ज़्यादा। अदर देन दैट सारी वैरायटी
भैया, थैंक यू सो मच।